भारत के 100 सूखाग्रस्त गांव गोद लेगी रिजवान अड़तिया फाउंडेशन। महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों के किसान और आम नागरिक सूखे की मार से काफी परेशान है। इस नैसर्गिक आपदा ने न सिर्फ देश को बल्कि विदेश में रहने वाले व्यापारी रिजवान अड़तिया को भी झकझोर कर रख दिया है। इस प्राकृतिक संकट में रिजवान अड़तिया फाउंडेशन ने भारत में 100 सूखाग्रस्त गांव गोद लेकर वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान फाउंडेशन के अध्यक्ष रिजवान अड़तिया जी ने किया। इस नेक कार्य में उनका साथ सरकार और बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी देने का वादा किया है। देश में रहकर भी भारत माता की जय नहीं बोलने वालों पर रिजवान अड़तिया ने कड़ी टिप्पणी की। रिजवान अड़तिया मूल रूप से गुजरात पोरबंदर के निवासी है। वो मात्र कक्षा 10 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद महज 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के पास साउथ अफ्रीका चले गए, जहां पर मात्र 175 रुपये की रोज़ाना की नौकरी पर रिजवान अड़तिया ने 12 घंटे काम शुरू किया। ईश्वर ने उनका साथ दिया और आज रिजवान अड़तिया का व्यापार 13 देशों में चल रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलते हुए रिजवान अड़तिया देश में स्वराज देखना चाहते हैं। इसी कारण गुजरात जूनागढ़ जिला के मलियाहटीना नामक एक गांव को गोद लेकर वहां शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, स्वच्छता, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम शुरू किया है। विदेश में 30 साल से काम कर रहे इस व्यापारी को पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट गांव योजना ने खूब प्रभावित किया, जिसके कारण रिजवान अड़तिया ने देश में सूखे की मार झेल रहे 100 गांव को गोद लेकर वहां हर प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान मुंबई के JW मेरिट होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जब मैं लास्ट प्राइम मिनिस्टर से मुझे जो मौका मिला मिलने का और 10 मिनट मेरी मीटिंग चली तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनकी बातों से। हालांकि उसने मेरे को कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन जो हिसाब से इंस्पिरेशन मिला तो मैंने डिसाइड किया, मेरी टीम से डिस्कस किया कि नहीं, हम लोग ऐसा स्टेप लेवे जहां हम लोग पूरे देश को अच्छी जिंदगी दे सके, तो वो हिसाब से हमने ये स्टेप लिया है। हमारा जो प्लान है वो 15 साल में 100 गांव एडॉप्ट करने का है। उसमें से जैसे मैंने अनाउंस किया 10 गांव हमने महाराष्ट्र अनाउंस किया है, 10 गांव हमने बिहार अनाउंसमेंट कर दिया है, 5 गांव में लास्ट मंथ गोवा गया था, वहां माननीय गवर्नर एंड माननीय श्री चीफ मिनिस्टर के प्रेजेंस में 5 गांव वहां एडॉप्ट हमने अनाउंसमेंट किया है। हमारा जो प्लान है कि 2020 तक हम लोग पहले 10 गांव एडॉप्ट करें, क्योंकि हमको 15 और कंट्री में भी हमको हमारी प्रेजेंस करनी है, तो बहुत काम करना है। तो पहले 5 साल में हम लोग 10 गांव एडॉप्ट करेंगे, बाकी 2020 और 2030 में हम लोग 90 विलेजेस को एडॉप्ट करेंगे। तो ये पानी की समस्या जो है ना, ये कोई एक गांव या 10-20 गांव का समस्या नहीं है, ये हमारे पूरे देश की समस्या है। नहीं, ये जो समस्या है ने, वो कुदरती एक समस्या है। अब देखो, एक साल पहले इतनी बारिश आई थी कि हमारे पास पानी को संभालने की जगह नहीं थी, और एक दो साल बाद ऐसी सिचुएशन है कि पानी की एक एक बूंद के लिए इंसान तरसता। महाराष्ट्र के कौन से गांव आप तक ले लिया? अभी तक एक भी गांव हमने एडॉप्ट नहीं किया है, हमने 10 का डिसाइड किया है और हमारी स्टडी चल रही है और जल्दी हम लोग स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। ये साउथ अफ्रीका में रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान के बारे में इतना सोच रहे हैं, 100 गांव को उन्होंने गोद लेने का सोचा, तो ये सारी चीजें हमको बड़ा छूती है, जो कि गरीबी एक गुर्बत हमने भी देखी है, हमको भी पता तकलीफ क्या थी, स्ट्रगल क्या था। और चूंकि बिहार यूपी से इतने सालों से मेरा संबंध रहा है और हिंदुस्तान के देहात देहात को जानता हूँ, गरीबी बहुत है हमारे देश में, गांव बहुत है और तकलीफें बहुत हैं, पानी की समस्या भी है, हर चीज की समस्या है। इसमें अगर ये छोटी सी मदद होती है तो ये बहुत बड़ी मदद होती है, उसमें हम भी शामिल हो गए। उन्होंने कुछ 10 गांव यहाँ के लिए सोचे, 10 गांव बिहार के लिए, तो मैंने कहा हमारी निःशुल्क पूरी मदद रहेगी, कहीं आपको लगे तो उस गांव के लिए हम भी फाइनेंशियली तैयार रहेंगे। मैं तो इनसे इनकी शुभेच्छा दूंगा, इनको क्या इसी तरह ये वाटर विलेज जो पानी का जो ऊर्जा है ये हर विलेज में पहुंचाए और कुछ दिनों में कुछ महीनों में कई एनजीओ कई विलेजेस को ऐसा लगे
क्या एक वाटर विलेज नहीं लेकिन व्हाट अ विलेज ऐसा हो, ऐसा मेरी शुभकामना रिजवान जी के साथ में है। इस कार्यक्रम में आकर के मैं शासन की तरफ से आपको बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया है और इसकी वजह से एक गांव में जो अटेंशन मिलेगा या उस गांव में जो प्रगति होगी उसकी वजह से दूसरे गाँव में भी उसको रिप्लीकेट करना संभव होगा, ये हम लोगों को ऐसा लगता है। रिजवान अड़तिया फाउंडेशन प्रथम चरण में महाराष्ट्र के 10 और झारखंड के 5 गांव को गोद लेकर वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। इसके बाद दूसरे चरण में भारत के दूसरे राज्यों के गांव को गोद लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस मौके पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री डॉक्टर रणजीत पाटिल, अतिरिक्त प्रधान गृह सचिव KP बख्शी, अभिनेता रवि किशन, गायक अभिजीत भट्टाचार्य सहित भारी संख्या में बॉलीवुड और अन्य विभाग के लोग इस समारोह में उपस्थित होकर रिजवान अड़तिया फाउंडेशन के 100 सूखाग्रस्त गांव गोद लेने की योजना का खुलकर समर्थन किया। मुंबई से जटाशंकर सिंह की रिपोर्ट।